मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने दिया संदेश, कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा जीत की हैट्रिक 24 की है गारंटी। कांग्रेस की हार के बाद राजभवन पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, बोले जनादेश किया स्वीकार, बीजेपी को दी बधाई। छत्तीसगढ़ में आ गए सभी सीटों के नतीजे, 54 सीटों पर बीजेपी की जीत, 35 पर सिमटी कांग्रेस, एक पर अन्य ने किया कब्जा। एमपी में बीजेपी की प्रचंड जीत, 162 सीटों पर लहराया परचम, सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर की हुई जीत। एमपी में बीजेपी को प्रचंड जीत, कई मंत्रियों की हार, हरदा से कमल पटेल समेत 6 ने गंवाई सीट, दतिया से हारे नरोत्तम मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कई दिग्गजों की हार, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत 9 मंत्री हारे चुनाव, दीपक बैज और ताम्रध्वज साहू ने भी गंवाई सीट। बीजेपी के 3 राज्यों में बंपर बहुमत पर बोले अनुराग ठाकुर, पीएम मोदी की अगुवाई में प्रचंड जीत, सबका साथ सबका विकास पर जनता को विश्वास, तेलंगाना में भी बढ़ा बीजेपी का वोट शेयर। एमपी में कांग्रेस ने मानी अपनी हार, पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान, कहा मतदाताओं का हर फैसला है स्वीकार, बीजेपी को दी बधाई। चुनाव मतलब न्यूज 18, मतगणना के दिन जनता के साथ साथ दिग्गजों ने जताया न्यूज 18 पर भरोसा, सीएम शिवराज, सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई नेताओं ने देखा चैनल। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और महासंग्राम 2023 में छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर हुआ, बीजेपी ने यहां दमदार जीत हासिल की है। बीजेपी की बड़ी जीत, कांग्रेस का निकला दम, छत्तीसगढ़ में खिला कमल। 2018 में मिली हार का बदला बीजेपी ने 5 सालों के बाद 2023 में ले लिया। जश्न मनाते कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और हो भी क्यों ना, बीजेपी ने पूरे स्वैग के साथ छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी हासिल की है। राजनीति के ज्यादातर पंडितों ने इसे लेकर भले अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन बीजेपी के आला नेताओं को भरोसा था, भरोसा न केवल जीत का बल्कि बड़ी जीत का, जो मिली भी। लगातार रोज आपको अपनी बात कह रहा था पिछले 3-4 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त एग्जिट पोल के रुझान में ही छिपा हुआ है, और वो आज सत्य साबित हुआ। और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। बीजेपी के आला नेता भी जीत का जश्न मनाते नजर आए, और जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया, साथ ही कहा कि कांग्रेस के कुशासन से जनता को मुक्ति मिली। निश्चित रूप से हमने जनता के सामने मोदी की गारंटी प्रस्तुत किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार छत्तीसगढ़ आना हुआ, और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को जो भरोसा दिलाया, गारंटी दी, जनता ने उस पर भरोसा किया, और कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता छुटकारा चाहती थी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आम जनता को, कार्यकर्ताओं को, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और जगत प्रकाश नड्डा जी को, ओम प्रकाश माथुर जी को, मनसुख मंडाविया जी को, नितिन नवीन जी को, पूरे शीर्ष नेतृत्व को और पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जनता का विश्वास, छत्तीसगढ़ में भूख भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति, जिस प्रकार से रायपुर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया,
पांच साल रायपुर शहर विकास के नाम पर तरसता रहा। नाम जरूर विकास था लेकिन काम नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री जी भी होने के बाद में भी इस रायपुर शहर की राजधानी में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाए। सिर्फ भ्रष्टाचार के नए नए आयाम कैसे हो उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी लगी रही। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का डंका बजा था, लेकिन कुछ ऐसा ही करिश्मा इस बार बीजेपी के लिए जनता ने कर दिया। बीजेपी खेमे में जहां प्रचंड जीत को लेकर उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई है। बीजेपी की जीत पर रमन सिंह ने जनता का आभार जताया। जीत के लिए पीएम मोदी को इसका श्रेय दिया। हमारे साथ इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। हम उनसे बात करेंगे। फिगर की ओर पहुंच रहे आप लोग, क्या लग रहा है, वजह क्या है? ये जो रुझान दिख रहा है आज और अभी तक का जो रुझान दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज छत्तीसगढ़ में जा रहा है पूरे के पूरे मतदान। वजह क्या समझ आ रही है आपको, क्योंकि आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया गया? वजह यही है कि जो भ्रष्टाचार किया भूपेश बघेल ने, जो झूठे वादे किया उसने भूपेश बघेल ने, उसके वजह से जनता के मन में भूपेश के चेहरे को बदलने की इच्छा थी और आज वो बदलने का काम किया। क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार यहाँ बन जाएगी? निश्चित रूप से जो रुझान अभी दिख रहा है, 5 बजे आते आते मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ ये रुझान पूरी तरीके से परिणाम में दिखेगा। डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? चर्चा हो गई है कि सीएम बनने जा रहे हैं। डॉक्टर रमन की भूमिका पार्टी तय करता है, विधायक दल तय करता है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैंने भी मेहनत किया, मेरे हजारों कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, मोदी जी का आशीर्वाद मिला, मोदी जी की गारंटी मिली, इसकी वजह से हम सरकार बनाने में सफल हुए। जो भी निर्णय होगा विधायक दल का उसका हम सब मिलकर क्रियान्वयन करेंगे। केंद्रीय नेताओं से चर्चा हो रही है, अब फोन आ रहे होंगे लगातार। बधाई दे रहे हैं सबको, मैंने बधाई दिया है। हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह थे जो कि कह रहे हैं कि मैजिक फिगर भाजपा पा रही है, सीएम का चेहरा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और श्रेय इसके लिए दे रहे हैं। अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। कहते हैं इतिहास हर बार अपने आप को दोहराता है, एक बार फिर यह करिश्मा हुआ है छत्तीसगढ़ में। 90 में से 71 सीटों के साथ सरकार चलाने वाली कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और पिछले चुनाव में महज 15 सीटों पर सिमट जाने वाली बीजेपी एक बार फिर सूबे की सत्ता पर काबिज हो गई। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। छत्तीसगढ़ में चला मोदी मैजिक। मोदी मतलब विकास की गारंटी बनी। मोदी मतलब जीत की गारंटी। फेल हो गया भूपेश है तो भरोसा है। सूबे की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा। छत्तीसगढ़ की राजनीति ने एक बार फिर 180 डिग्री का टर्न ले लिया है। प्रदेश की जनता ने पिछली बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सिंहासन हासिल करने वाली कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार, ये करिश्मा हुआ है देश के सबसे बड़े सियासी चेहरे यानी मोदी मैजिक की बदौलत। ये संभव हुआ है बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की कुशल रणनीति से ये संभव हुआ है। बीजेपी के उस मास्टर स्ट्रोक से जिसके तहत पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया। छत्तीसगढ़ में चुनावी चौसर में एक एक विधानसभा सीट पर बीजेपी ने ऐसी गोटियां बिछाई कि कांग्रेस के बड़े बड़े सुरमा धराशाही हो गए। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक शतरंज में बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह की शह पर मोदी ने कांग्रेस को मात दिया, जिसका आभास प्रदेश बीजेपी को बखूबी है। आज छत्तीसगढ़ के लिए अभूतपूर्व दिन है और मैंने लगातार रोज आपको अपनी बात कह रहा था पिछले 3-4 दिनों से
कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त एग्जिट पोल के रुझान में ही छिपा हुआ है और वो आज सत्य साबित हुआ। और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। आइए एक नजर उन मुद्दों पर डाल लेते हैं जो बीजेपी को एक बार फिर से सूबे की सत्ता दिलाने जा रही है। सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट उस वक्त जारी कर दी थी जब चुनाव की तारीख की घोषणा हुई थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव वाला फॉर्मूला अपनाया जिसके तहत तमाम प्रदेशों की पार्टी के बड़े चेहरों को बहुत पहले मैदान में उतार दिया। यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात के रणनीतिकारों को 20-20 दिन का टास्क देकर छत्तीसगढ़ के कोने कोने में भेज दिया। बीच बीच में अमित शाह और जेपी नड्डा इन सभी क्षेत्रीय दिग्गजों से फीडबैक लेते रहे। उसी के आधार पर पार्टी ने प्रदेश में अपने चेहरों और चुनावी मुद्दे तय किए। महतारी वंदन योजना। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा महतारी वंदन योजना जिसके तहत पार्टी ने सत्ता में आने पर प्रदेश की हर विवाहित महिला को 1,000 रुपए महीना देने का वादा किया। इस तरह से बीजेपी ने प्रदेश की आधी आबादी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाए। हालांकि इसको लेकर विवाद भी हुआ। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी बीजेपी के लिए दूसरी सबसे कारगर रणनीति साबित हुई। धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी का वादा, जिस धान खरीदी के मुद्दे को कांग्रेस अपना सबसे मजबूत हथियार मान रही थी उसे बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया। हालांकि कांग्रेस ने भी बाद में 3200 रुपए क्विंटल धान खरीदी का दाव खेला, लेकिन इसे पार्टी भुना नहीं पाई। बीजेपी ने प्रदेश के चुनाव में एक और जो बड़ा दाव खेला वो था मोदी का चेहरा। पार्टी ने कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट ना कर पीएम मोदी को मैदान में उतार दिया। मोदी के प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां और मोदी मतलब विकास की गारंटी ने बाजी पलटने में बड़ी भूमिका निभाई। ये बीजेपी की चुनावी रणनीति पर मोदी का भरोसा ही था कि उन्होंने अपनी आखिरी 3 चुनावी रैलियों में प्रदेश की जनता को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस परवार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया। पार्टी के हर एक नेता ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर घेरा। गाय, गोबर, गौठान, कोयला और CGPSC घोटाले जैसे मुद्दों को जमकर भुनाया। इस तरह से पार्टी ने प्रदेश की महिलाओं, आदिवासी, किसान, युवाओं को अपने पाले में किया और इस तरह से चुनावी बाजी पलट दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश जनता के कई दिग्गजों को मध्य प्रदेश की जनता ने धूल चटाई तो